भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाने वाले हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा आज हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी धौलपुर की ओर से बैंड बाजों व ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ कमेटी अध्यक्ष कुक्कू शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा पुराना शहर स्थित महात्मा गांधी की बगीची से प्रारंभ हुई, जिसे देखने के लिए धौलपुर जिले के अलावा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोगों की भीड़ देखने को उमड़ पड़ी। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। बाजारों में सजावट की गई, भंडारों का वितरण हुआ, सादा पीने का पानी व शरबत की प्याऊ लगाई गई। शोभा यात्रा में 4 दर्जन से अधिक झांकियां व करीब 2 दर्जन से अधिक बैंड थे। झांकियों में हनुमान जी के विविध रूपों राम लक्ष्मण सीता राधा कृष्ण दुर्गा माँ शिव पार्वती सहित कई देवी देवताओं की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। बैंड बाजे वाले राम नाम का गुणगान करते हुए चल रहे थे। झांकियों के अंत में हनुमान जी का विशाल डोला चल रहा था। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर व आरती उतार कर हनुमान जी के डोले का स्वागत किया। शोभा यात्रा पुराना शहर हरदेव नगर जगन चौराहा सराय गजरा लाल बाजार सब्जी मंडी संतरूम होते हुए सती वाले हनुमान मंदिर पर संपन्न हुई। प्रशासन की ओर से शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के माकूल व्यवस्था की गई है। पुलिस के अलावा सशस्त्र बल RAC को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। शहर के बाजारों में पुलिस की विशेष निगरानी के लिए निहालगंज कोतवाली सदर थाना प्रभारियों को में पुलिस जाप्ते के तैनात किया गया है।